राजस्थान की सियासत का वो नाम जो किसी को भी चित्त कर दे। इस जादूगर ने अपने जादू से अच्छे खासे नेताओं की राजनीति खत्म की है और किसी भी मामूली नेता को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में देर भी नहीं लगाई। उनकी लोकप्रियता न केवल उनके विधानसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे राजस्थान में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस जनप्रतिनिधि अशोक गहलोत की। गहलोत भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से एक है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं। इससे पहले भी अशोक गहलोत दो बार वर्ष 1998 और 2008 में मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार अशोक गहलोत तीसरी बार 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। पहली बार चुनाव साल 1980 में जोधपुर संसदीय क्षेत्र से लड़ा। इनकी गिनती राजस्थान के प्रमुख नेताओं में होती है। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान पर हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल फेस। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को राजस्थान के जोधपुर जिले में रहने वाले एक साधारण माली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह गहलोत था, जो उस समय के जाने माने जादूगर हुआ करते थे और विदेश के अलग अलग भागों में घूम घूम कर जादू दिखाने का काम किया करते थे। उन दिनों गहलोत भी अपने पिता के साथ साथ उनके कार्यक्रम में भाग लिया करते थे। अब यही कारण है कि अशोक गहलोत को देश के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रहन सहन और रीति रिवाज का अनुभव है, क्योंकि उन्हें बालकाय में और फिर युवा काल में भी उन लोगों के बीच समय बिताने का अवसर मिला। राजनीति में मंझे हुए नेता बनने और लगातार टिके रहने के पीछे भी उनका यही अनुभव काम आया। यदि बात अशोक गहलोत की शिक्षा की जाए तो अशोक गहलोत ने बीएससी की डिग्री ली और फिर बाद में अर्थशास्त्र एमए किया। 27 नवंबर 1977 को अशोक गहलोत का विवाह सुनीता गहलोत से हुआ। इनके पुत्र का नाम वैभव गहलोत है और पुत्री का नाम सोनिया गहलोत है। उनका बेटा वैभव व्यावसायिक रूप से एक वकील है। वैसे तो पिता की पार्टी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से भी वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जोधपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन मोदी लहर में उन्हें जगह नहीं बनाई और वो हार गए। वैभव की पत्नी एक एनजीओ चलाती है। बेटी सोनिया गहलोत की शादी मुंबई में रहने वाले एक व्यावसायिक घराने में हुई है। इसके साथ ही वो कुछ कंपनियों के मालकिन भी हैं। अब बात यदि अशोक गहलोत के पारिवारिक पृष्ठभूमि की करें तो इनके पिता का किसी प्रकार की राजनीति से जुड़ाव नहीं था। वो पेशे से जादूगर थे। देश में घूम घूम कर स्टेज शोज में जादू दिखाना ही उनका काम था। जन्म से लेकर युवा काल तक इनकी आर्थिक स्थिति एक साधारण परिवार की रही थी। युवा काल में इन्हें चुनाव लड़ने के लिए और राजनीति में बने रहने के लिए बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। एक समय तो ऐसा भी आया जब इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अपनी इकलौती मोटरसाइकिल भी बेचनी पड़ गई थी। हालांकि उसके बाद भी अशोक गहलोत वो चुनाव हार गए थे, मगर इससे कांग्रेस में विशेषकर इंदिरा गांधी और संजय गांधी से उनकी पैठ बन गई, जो बाद के उनके राजनीतिक करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और उन्हें राजनीति में लंबे समय तक दौड़ने वाले घोड़े के रूप में स्थापित किया गया। अब बात अशोक गहलोत के राजनीतिक सफर की करें तो गहलोत छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे और गांधी और कांग्रेस विचारधारा का प्रचार और प्रसार में वो लग गए। छात्र जीवन में वो कांग्रेस की छात्र युवा इकाई एनएसयूआई से भी जुड़ गए। वर्ष 1977 में राजस्थान से ही गहलोत ने अपना पहला चुनाव सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उनकी हार हुई थी। आश्चर्य की बात यह है कि जो अशोक गहलोत आज करोड़ों के मालिक हैं, शुरुआत में गहलोत को पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी इन्होंने साहस नहीं छोड़ा और लगातार कांग्रेस की विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करते रहे। इससे खुश होकर कांग्रेस पार्टी की ओर से इन्हें साल 1980 में जोधपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने का टिकट मिल गया। इस चुनाव में विरोधी कमजोर थे और वे आपस में बटे हुए थे। इसका सीधा सीधा लाभ इन्हें और इनकी पार्टी कांग्रेस को मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि उस चुनाव में एक अच्छे अंतराल से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। फिर तो अशोक गहलोत दिल्ली की सक्रिय राजनीति से सीधे जुड़ गए और इनका कद भी बढ़ गया।
कांग्रेस पार्टी में इनकी गिनती राजस्थान में आने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में भी होने लग गई। परिणाम ये हुआ कि वर्ष 1984 में इन्हें पर्यटन विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग में केंद्रीय राज्य मंत्री का पद दिया गया। इससे इनका कद और अधिक बढ़ गया। इसके बाद समय समय पर अशोक गहलोत कई अलग अलग पदों पर आसीन होते रहे। इसके बाद अशोक गहलोत लगातार केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन साल 1991 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने इन्हें वापस अपने गृह राज्य राजस्थान की कमान संभालने के लिए वापस भेज दिया। वर्ष 1998 में कांग्रेस के राजस्थान विधानसभा की 200 में से 153 सीट जीतकर एक बड़ी जीत दर्ज की थी। इस जीत के बाद अशोक गहलोत राजस्थान के 11वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। ये पहला अवसर था जब अशोक गहलोत एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। इसके बाद वर्ष 2008 और 2018 में पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। अब अशोक गहलोत से जुड़े रोचक किस्से की बात करें तो गहलोत ने कई ऐसी योजनाएं प्रदेशवासियों के लिए बनाई है जिनकी देश भर में तारीफ हो रही है। गहलोत ने ओपीएस योजना लागू की, बिजली के बिलों में 100 यूनिट फ्री और फ्यूल चार्ज हटाया। मनचलों पर कार्रवाई कर उन्होंने सरकारी नौकरी में फायदा नहीं देने सहित कई ऐसे फैसले लिए जो देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुए हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। फिर नए सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी खास जनप्रतिनिधि की। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो एक किस्सा था अशोक गहलोत की राजनीति में इनके आज तक के सफर का, लेकिन राजनीति चलते रहने का ही नाम है। आज के राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत के होने का मतलब क्या है, आइए गौर करते हैं।